देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप एएनवी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पानीपत नगर निगम के पूर्व मेयर शहर के लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान करते हैं। वो अपने तरीके से प्रशासन के सामने समस्या रखते हैं और मौके पर ही समस्या का समाधान करवाते हैं। कभी अधिकारियों के पास बेल लेकर जाते हैं तो कभी गंदगी से भरे खच्चर गाड़ी लेकर जाते हैं। काफी लंबे समय से सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूर्व मेयर गंदे पानी के मटकों में भरकर हुड्डा अधिकारी को देने पहुंचे। सीनियर अधिकारी नहीं मिले तो पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने गंदे पानी के मटके एसडीओ हुड्डा विभाग को दिए। वहीं भूपेंद्र सिंह ने गंदगी से भरे मटकों को उच्च अधिकारियों के कार्यालय में रखवाया ताकि वह भी आम आदमी की समस्या से अवगत हो सके। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, उनका इतना बुरा हाल है कि वहां से लोग निकल भी नहीं पा रहे। और पिछले मेरे ख्याल 6 महीने पहले इन्होंने किसी को ठेका भी दिया था 40-45 लाख रुपए का, जो हमारे को ये बताया गया था कि ये सीवर टू सीवर हर घर के आगे सीवर टू सीवर साफ करेंगे, जिससे मतलब कि आगे 20 साल तक समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आज उनका अता पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर। पानीपत के सेक्टर 11 में लंबे समय से गंदा पानी सीवरेज में रुकने की समस्या सड़कों पर बहकर आ जाता है, जिससे आम आदमी को इस गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। पानीपत के पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसकी शिकायत वे कई बार हुड्डा अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन इस और उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा। और उसी पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यालय सीवरेज के इसी पानी को मटकों में भरकर हुड्डा कार्यालय पहुंचे और गंदे पानी की स्मेल से हुड्डा अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद एसडीओ ने तुरंत फोन कर सफाई कर्मियों को आदेश दिया कि जल्द समस्या का समाधान करवाएं।